नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टॉक्स हेल्पलाइन में। मैं हूं सुमित और मेरे साथ अनीशा मौजूद भी है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो जानकार होंगे और अगले आधे घंटे के दौरान, इनफैक्ट अगले एक घंटे के दौरान हम आपके सवालों के जवाब देंगे। माध्यम भले बदलते रहेंगे, पहले हम फोन के जरिए और बाद में फिर सोशल मीडिया के जरिए आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन अगले एक घंटे तक आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, नजर डालते हैं आज इंडिसेस पर। फिर से सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, फ्लैटिश ही है, पर इंडिविजुअल स्टॉक एक्शन सेक्टर्स में बहुत अच्छी मजबूती देखी जा रही है। मेटल्स इंडेक्स 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है, मिड कैप्स आधा % ऊपर, बैंक निफ्टी फ्लैट है अभी, जबकि सरकारी कंपनीज में काफ़ी इंटरेस्ट है, उनको सरकार से पूंजी मिल रही है, पर वहाँ बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखे जा रहा। पर एग्रो बेस्ड थीम, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो चाहे वो पंप्स हो, वहाँ अच्छा एक्शन देख रहे हैं। मेटल काउंटर्स में अच्छा एक्शन देख रहे हैं और काफ़ी सारा इंटरेस्ट देखा जा रहा है। निफ्टी फार्मा में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। हमारे साथ हमारे गेस्ट अभी मौजूद है, बात करते हैं सुमित बगाड़िया से। सुमित नमस्कार, आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आज निफ्टी के लिए? हाय, गुड मॉर्निंग। वेल, मार्केट्स के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। लास्ट नया साल जब से स्टार्ट हुआ है तब से मार्केट को हमने एक सीमित दायरे में देखा है। 10400 इमीडिएट सपोर्ट निकला है और 10500 इमीडिएट ऊपर में रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। आई थिंक इधर साइड ब्रेकआउट हमको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अभी तक मार्केट का मूव देखते हुए, मोमेंटम देखते हुए, ऐसा लगता है कि अपसाइड ब्रेकआउट ही देखने को मिलना चाहिए। 10500 के लेवल जैसे ही टूटेंगे निफ्टी के ऊपर तो हमें 10550 से 10600 तक के लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद हमें 11000 तक निफ्टी रैली करते हुए दिखाई देगा आने वाले कुछ ही महीनों में, यानी शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल फिलहाल निफ्टी के अंदर बाय का व्यू लेके चले, प्रेजेंट लेवल्स पे निफ्टी स्पॉट लेवल्स के हिसाब से बाय करें। 10400 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 10500 इमीडिएट और 10550 के टारगेट्स होंगे। ओके, बातचीत करने के लिए हमारे पहले दर्शक मौजूद है, अमोल है पुणे से बातचीत करने के लिए। अमोल साहब नमस्कार। अमोल आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ, नमस्कार अमोल जी। मेरा सवाल वर्धमान पॉली और नितिन फायर पे है। okay. वर्धमान पॉली 550 क्वांटिटी मेरा, मैंने एवरेज करके बाइंग किया है जी, ऑन एन एवरेज 45 के हिसाब से। ओके, और नितिन फायर काफी डाउन हो गया। नितिन फायर मेरे पास 4000 क्वांटिटी है। किस भाव पे? वो एवरेज करके आया हूँ मैं तो, अभी लगभग 20 रुपीज के भाव पे मैंने मेरा एवरेज हुआ है 4000 क्वांटिटी का। ओके, गौरांग सवाल, तो दोनों पे मेरे को राय चाहिए, इसमें क्या करें? दोनों इनके लिए सिचुएशन खराब है। पहले तो इनके पास वर्धमान पॉली है 45 रुपए की एवरेज पे, उन्होंने बोला करीब 550 शेयर है, 36-37 रुपए का मौजूदा स्तर है। दूसरा नितिन फायर 20 रुपए का एवरेज है, 4000 शेयर है, लेकिन अब वो सिंगल डिजिट में आ चुका है, क्या करेंगे? तुम्हें तो प्रभात सभी को मेरे तरफ से, अनफॉर्चुनेटली दोनों पर ही कवरेज है, मैं नहीं है तो विशेष रूप में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक स्टॉक जो इन्होंने जिक्र किया है नितिन फायर, मेरे ख्याल से काफी कुछ पब्लिक डोमेन में खबर है इसके बारे में, और जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो आपको अपने निवेश के ऊपर ध्यान देना चाहिए और सही समय पर सही कदम उठा करके जो भी निर्णायक कदम उठाने हैं वो उठाने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कवरेज नहीं है दोनों पर तो विशेष रूप में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आइंदा ध्यान रखें। ठीक है, फ्लैशेज आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे। हमें सर्विसेज पीएमआई डेटा आया है दिसंबर का और वहाँ कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन हो गई, तो वो खुशखबरी है। जो कॉम्पोजिट पीएमआई है वो दिसंबर का 53 है, तो ये जो रीडिंग है ये 14 महीने के हाई पे है। काफ़ी जानकार कहते आ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, अब जो साइक्लिकल अपस्विंग है वो शुरू होने वाली है, और ये जो लीड इंडिकेटर डेटा है ये इसको अंडरलाइन ही करता है। चलिए हमारे साथ फ़ोन पर चेतन है जो हमें मुंबई से फ़ोन कर रहे हैं। चेतन गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, हेलो। हाँ पूछिए चेतन, क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास एक तो बीपीएल है और एक मेरे पास मुकन लिमिटेड है मैडम। मुकन लिमिटेड है मैडम। ठीक है, क्या प्राइस पे आपने लिया मुकन? मुकन मैंने लिया 109 रुपए में। ठीक है, ये आप लंबी अवधि के लिए रखेंगे क्या? सब स्टील कंपनियां बढ़ गई है पर ये मुकन अभी तक नहीं बढ़ रहा है। सॉरी, ये जो दो शेयर है मुकंद और बीपीएल, क्या आप लंबे अरसे के लिए रखेंगे? हाँ मैडम, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। चलिए पूछते हैं क्या करना चाहिए इन दो शेयरों में।
बीपीएल में थोड़ा सा लॉस है, मुकुंद में भी मुझे लगता है थोड़ा सा लॉस है. गोराउंड, इन दो स्टॉक्स पे आपका आपकी क्या आपका क्या व्यू है? बीपीएल तो बहुत समय पहले एक अच्छा ब्रांड नेम था, स्टॉक चार्ट भी अच्छा लग रहा है, आप क्या एडवाइस करेंगे बीपीएल और मुकुंद के लिए? देखिए, दोनों पर ही कुछ खबरों को लेकर के ऊपर की तरफ के दायरे बने थे और बीपीएल एक समय पर लोअर डबल डिजिट का स्टॉक हुआ करता था और बाद में खबरों के आधार पर ऊपर गया. मुकुंद पर भी मुंबई में मेरे ख्याल से जो आउटस्कर्ट्स इलाके हैं थाने के करीब कुछ लैंड पार्सल बेचने को लेकर के यहाँ हमने हरकत आते हुए दिखी थी, लेकिन नतीजों के आधार पर ऐसा कोई मुझे आसार नजर नहीं आता है कि मैं इनको राय दूं दोनों ही स्टॉक के ऊपर. और अनफॉर्चुनेटली हमेशा दोनों पर हमारी कवरेज नहीं है जी, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक बाय करें, क्वांटिटी बाय मत कीजिए, मैं तो यही विनती है. ओके, चलिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर टीडी चौधरी हैं, पश्चिम बंगाल से मौजूद हैं. चौधरी साहब नमस्कार. 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 नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? सुमित जी. हेलो जी. जी सुमित जी, मेरे पास अंबुजा सीमेंट है 5000. ओके. तो ये सिंस आईपीओ लास्ट 30 साल हो गया मेरे साथ है. ओके. तो अभी क्या करे, रखे या सिर्फ स्विच ओवर करे कोई और जगह पे? चौधरी साहब, आपने वैसे ही एक लंबा अंतराल देखा इसके साथ, एक लंबा टाइम फ्रेम देखा जिसमें जो डिविडेंड्स हैं वो आपको मिले होंगे, आपने जो बोनस कंपनी ने दिए हैं वो आपको मिले होंगे, करीब 3 बार 1994-99 2004 में जो बोनस दिए थे वो आपको मिले होंगे, तो ये सब एडजस्ट करने के बाद आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट खत्म होगी. अच्छा, सॉरी, ये सब जो बोनस और डिविडेंड है इसके बाद आपकी कॉस्ट तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी, फ्री होंगे आपके पास. ओके ओके. गौरांग, इनके पास अंबुजा सीमेंट है और पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी, आईपीओ से लेकर आज तक वेट कर रहे हैं शेयर को लेकर, 5000 शेयर हैं, अच्छी क्वांटिटी में अच्छी कंपनी के शेयर हैं. आप क्या स्विच करना चाहें तो स्विच करें या फिर अभी बने रहें इसके साथ? सुमित, पहले तो कवरेज हमारी अंबुजा सीमेंट पर काफी लंबे समय से और श्री साहब ने काफी लंबा समय दिया है और उसके फलस्वरूप जो भी इनका निवेश अभी निःशुल्क हो चुका है. अगर यही शेयर है इनके पास या फिर अपने उनके पोर्टफोलियो में एक ज्यादा पोर्शन अलोकेटेड है, यानी कि ज्यादा हिस्सा अंबुजा सीमेंट का बनता है, तो मैं थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करें और विकल्प के रूप में ये चाहे तो कंजम्पशन ड्रिवन थीम में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमें पसंद है, इमामी एक दूसरी कंपनी है जो हमें पसंद है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में एक्सिस बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, ये कुछ विकल्प. चाहे तो बिना आधी या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा क्वांटिटी बेच करके जो पूंजी आती है डाइवर्सिफाई करें तो बेहतर होगा. बाकी जो स्टॉक्स रहेंगे अंबुजा के उसमें बने रहें, क्योंकि सीमेंट एज अ सेक्टोरियल थीम भी हमें काफी पसंद है. चलिए, अब हमारे साथ एक और कॉलर है निशांत, जो हमें गुरुग्राम से फोन कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग निशांत, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम. मैम पूछिए जी. मुझे इन्फीबीम के 200 शेयर है मेरे पास @153. क्या करना होगा बताइए, इसके लिए होल्ड करोगे निकल जाऊं? कितनी देर तक रखेंगे, किसकी एडवाइस पे आपने स्टॉक लिए? मैम मैंने खुद एनालिसिस करके लिया था इसको, तो ये 6 महीने रखता हूँ होल्ड में. ठीक है, सुबह से पूछते क्या करना चाहिए. सुबह बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है ये, अगर आप चार्ट पे देखें फंडामेंटल्स वैसे बुरे नहीं हैं, कंपनी के बिजनेसेस भी अच्छे हैं, बहुत सारी दूसरी इंटरनेट कंपनीज लॉसेस बनाती हैं, ये प्रॉफिटेबल है. चार्ट पे आप क्या देखते हैं, 6 महीने का क्या टारगेट हो सकता है? 140 138 के नीचे अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस देखने को मिलेगी और हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है इन्फीबीम के अंदर. हो सकता है शायद नीचे में 130 120 तक के लेवल्स हमको एक बार देखने को मिले. पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है ये स्टॉक के अंदर, तो एक बार शायद इसका बायस थोड़ा सा डाउन साइड हो रहा है और 140 138 का लेवल टूटने के बाद 120 से 115 तक के लेवल्स हमको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं. स्टॉक के अंदर तेजी तभी स्टार्ट होगी जब ये 150 के ऊपर सस्टेन करेगा. जब तक ये 150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता कन्विंसिंगली, तब तक काउंटर वीक है और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. इनमें इनको नजरिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, मिनिमम 6 महीने का होराइजन तो रखना ही पड़ेगा और 150 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा, उसके बाद ही इसमें तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो ये शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस दिखाएगा. तो लोअर लेवल्स के आसपास इनको दोबारा से ज़ी बिजनेस पर राय लेनी होगी एवरेज करने की. फिलहाल होल्ड कर सकते हैं एक बार पोजीशंस जी. तो आप बने रह सकते हैं, ये आपको राय दी गई है इन्फीबीम के संदर्भ में. भाविन मौजूद है. भाविन साहब नमस्कार. हेलो. नमस्कार भाविन साहब. हाँ नमस्कार. मेरे पास एलबी हॉस्पिटल के शेयर है 248 के प्राइस पे. ओके.
अभी क्या करूँ, होल्ड करूँ या सेल करूँ? कितना समय आप दे सकते हैं इसको? 1 month. एक महीना. गौरांग शेल्बी हॉस्पिटल हाल की लिस्टिंग है. 120 शेयर हैं, 248 के दाम पर. 241 का मौजूदा स्तर है. 7-8 रुपए करीब घाटा है. क्या करें, एक महीने में निकल जाए, बने रहे. एक महीने के लिए टिप्पणी देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है. और इस पर्टिकुलर आईपीओ पर भी हमने कोई रिकमेंडेशन आईपीओ नोट द्वारा नहीं दी थी, क्योंकि हमें मूल्यांकन इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का महंगा लग रहा था. अगर कंपैरेटिवली कोई दूसरी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई किसी और कंपनी में निवेश करना तो अपोलो हॉस्पिटल का एक विकल्प है. लेकिन यह विकल्प मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, 1 साल या उससे ज्यादा. 1 महीने के लिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता. चलिए, प्रणव हमारे साथ है, फोन लाइन पे ज्वाइन करें पुणे से. प्रणव, गुड मॉर्निंग. वहाँ पुणे में आज क्या हाल है, आप सेफ तो हैं? जी हाँ, मैं तो ठीक हूँ. पूछे, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने कुछ शेयर्स लेके रखे हैं वाटर बेस के, तो आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज द फीलिंग ऑफ इट. ये स्टॉक आपको किसने सजेस्ट किया और कब तक रखेंगे? ये एक्चुअली मैंने ही थोड़ा R&D करके निकाला था. जैसे अवंती फीड्स बहुत ग्रो किया था बीच में, तो बेस्ड ऑन दैट आई पुट माय यू नो फ्यूचरिस्टिक कॉल फॉर वाटर बेस. आई जस्ट वांटेड टू नो एक्सपर्ट यू नो कब तक रखेंगे जी, कितना और रखेंगे? मेरा ऐसा कोई लिमिट नहीं है. अगर शेयर में इस कंपनी में अच्छा पोटेंशियल दिखता है तो आई कैन पुल इट फॉर लॉन्ग. चलिए, सुमित से पूछते हैं. सुमित, ये इन्वेस्टर ने अपनी खुद रिसर्च की है और जो प्राइस पे उन्होंने लिया है बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है. क्योंकि अगर आप स्टॉक देखें, वन वे मूव है और स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है. आपको लगता है कि 1 साल बाद और भी ऊपर होगा? नियर टर्म और मीडियम टर्म क्या टारगेट्स आ सकते हैं स्टॉक में? ये स्टॉक को होल्ड करके चला जा सकता है. वाटर बेस के अंदर हमने एक वन साइड अप मूव देखा है. स्टॉक पिछले कुछ ही महीनों के अंदर 160 रुपए के लेवल से तेजी स्टार्ट करके 390 के लेवल तक आ चुका है. इतना बड़ा अपमूव हमको देखने को मिला है, तो शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर प्रेजेंट लेवल से 350 या शायद 330 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं. बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत होने के स्ट्रक्चर मजबूत टेक्निकली लग रहा है, इसके लिए ओवरऑल इसके अंदर बाई की ही सलाह रहेगी. कोई भी ऐसी डिप आती है तो उसके अंदर फ्रेश खरीदारी और एवरेज करने की सलाह रहेगी. स्टॉक 6 महीने से साल भर का होराइजन लेके अगर चलते हैं तो यहाँ से और भी पोटेंशियल है अपसाइड मूव दिखाने का. 400 के ऊपर अगर एक बार कन्विंसिंगली ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो फिर हमें ऊपर में 450 से 480 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं. तो लंबा नजरिया लेके चले, पोजिशन को होल्ड करें. अगर गिरावट जो मिलती है, जो कि मैंने बताई, उस लेवल तक आती है तो वापस से ये सलाह ले सकते हैं एवरेज करने की और एग्जिस्टिंग पोजिशन को होल्ड करके चला जा सकता है. ओके, अनिल का हमारे साथ मौजूद है रांची से बातचीत करने के लिए. अनिल साहब नमस्कार. हाँ नमस्कार सर. नमस्कार अनिल जी, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है गौरांग सर से. ओके. यूनिटेक पे और श्री अधिकारी बजट पर. मेरे पास 3000 क्वांटिटी यूनिटेक है एट द रेट ऑफ 760 एवरेज. ओके. 7.60 जी. एंड अधिकारी बजट मैंने आज ही खरीदा है, अपर सर्किट पे है, लेकिन मुझे 500 शेयर मिल गए. दोनों पर क्या करना चाहिए सर? अधिकारी बजट खरीदने की वजह कोई? सर ये शेयर मतलब काफी, इसका ऑल टाइम हाई 300 रुपीज है और ये अचानक से 15 रुपए तक आया और फिर अचानक से फिर ऊपर रोज ही जा रहा है. तो आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि अचानक से 15 रुपए क्यों आ गया 300 रुपए से? नहीं सर, वो तो मैंने नहीं सोचा. अभी मैंने जस्ट एक चांस लेने के लिए मैंने ले लिया है आज. चलिए, वही जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए. ओके गौरांग, थोड़ा रिस्की ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं ये. इन्होंने एक यूनिटेक लिया हुआ है, 2 उसमें मुनाफा है, 30% का मुनाफा हो रहा है. 7.5 रुपए के दाम पे यूनिटेक लिया है, 3000 शेयर है, 10.25 रुपए पहुंच चुका है, तो मुनाफा तो अच्छा है. दूसरा श्री अधिकारी ब्रदर्स, सब टीवी के नाम से जानते हैं हम, क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों में? अनिल जी, पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि अगर आप इतना बड़ा जोखिम लेकर के कोई शेयर, कोई ऐसे शेयर चुनते हैं तो आपकी पूंजी पूरी साफ हो सकती है, ये पहली बात. दूसरी बात, ये बहुत कम लोग हैं और आप वो नसीब हैं जिनको यूनिटेक में फायदा हो रहा है करीबन 1.5 या 2 रुपए के आसपास. मैं आपको राय दूंगा, मेहरबानी करके ऐसे सब स्टॉक्स में से निवेश करने और मार्केट में चांस मत लीजिए. क्योंकि चांस ले ले, जैसे मैंने आपको बताया कि दफा हो सकता है और दलाली महंगी पड़ सकती है जब आप बेचने जाए. जी चलो, तो आपको राय दी गई है अनिल जी, आप उसके हिसाब से ही अपने यूनिटेक में से पैसा निकाल सकते हैं. मुनाफे में आप क्यों रिस्क उठा रहे हैं? और दूसरा श्री अधिकारी ब्रदर्स को लेकर भी आपको राय और आग नदी है. अब हमारे साथ फोन पर है कुलदीप, जो हमें जयपुर से फोन करें.
गुड मॉर्निंग कुलदीप, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास DHFL है 500-360 में। मेरा गोरांग जी से सवाल था, ये मेरा 700 जाके फिर नीचे आ गया, अभी 600 से ऊपर ही नहीं जा रहा, तो क्या करूं मैं? ठीक है, आपने काफी समय पहले लिया था, तो जब ऊपरी स्तरों पे था तब आपने इसको बेचा नहीं, आपको अभी कोई पैसों की जरूरत है क्या? पैसों की जरूरत तो नहीं है मैडम, पर वो मेरे को ये था भाई ये यहीं रुक जाएगा, तो दूसरा कोई ऐसा हो जो ऊपर जाए तो मैं उसमें शिफ्ट छोड़ जाऊंगा। चलिए गौरांग से, ठीक है गौरांग से पूछते क्या करे, दीवान हाउसिंग फाइनेंस के साथ। गौरांग, सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में कुछ डाउनवर्ड प्रेशर आया है और दीवान हाउसिंग फाइनेंस भी उनमें से एक है। आपको लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बिग थीम हो सकता है और फाइनेंसिंग चाहिए होगी वहाँ, आपको लगता है कि अब ये ठहरेगा, उनका जो अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ है वो कम हो जाएगा? अच्छा गौरांग हमारे साथ नहीं है, हम उनसे बाद में लेंगे इस पर एक आंसर। पर सुमित, चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, 404 के नीचे जाएगा क्या स्टॉक? बहुत बढ़िया स्टॉक है, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में वैसे भी आने वाले 3 से 6 महीने अच्छे लगते हैं। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स के अंदर ओवरऑल बाइंग की सलाह रहेगी। जहां तक DHFL का सवाल है, DHFL ने पिछले कई महीनों में लोअर लेवल से बहुत अच्छा मूव दिया है। अगर मैं अगस्त के महीने से बात करूं 2017 में, तो 400 के लेवल से रैली स्टार्ट हुई थी और अभी 600 के आसपास आ चुकी है। आई थिंक स्टॉक ने बहुत बढ़िया रनअप दिया है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 570 का इसमें सपोर्ट है, अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो 510-520 रुपए तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर सपोर्ट नहीं टूटे तो फिर ये ऊपर में 650 से 650 का मूव दिखाएगा। इस स्टॉक में ये बने रह सकते हैं, कुछ खास घबराने वाली बात नहीं है। अगले कुछ महीनों के अंदर ये स्टॉक यहाँ से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। जैसे स्टॉक यहाँ से ऊपर में 600 का लेवल क्रॉस करेगा तो 650-680 तक के लेवल्स हमको जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी इनके लिए। गौरांग का जल्दी से आप ही बता दीजिए, फंडामेंटल बेसिस पे दीवान हाउसिंग फाइनेंस के अच्छा स्टॉक है, आपको लगता है जो टारगेट सुमित जिस की बात कर रहे हैं जल्दी आएंगे 680 प्लस? 685 के तो लक्ष्यांक हमारे लंबी अवधि के नजरिए से निश्चिंत होकर के बने रहे, और हाल ही में हमने जो नतीजे आए थे उसके आधार पर इसको ऊपर की तरफ रिवाइज भी किया है। और हमें लग रहा है कि HFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस जो एक वर्टिकल है NBFC का, वो बहुत ही शानदार नतीजे लेकर के आएगा, लंबी अवधि का नजरिया है तो बने जी। चलिए विजय से बातचीत करते हैं, पालनपुर से मौजूद है। विजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी, क्या सवाल है आपका? मेरा भारत हेवी इलेक्ट्रिक का मैंने शेयर लिया हुआ था काफी लंबे टाइम से, ओके 165 पे लिया हुआ था, उसके बाद बोनस भी मिला जी, 1000 शेयर हो गया और मेरा भाव 114 पे बढ़ता है। ओके तो भी रखूं या क्या करूं? नजरिया कितने समय का है आपका विजय जी? लंबे टाइम का है मेरा, लंबे टाइम का है। गौरांग, BHEL को लेकर सवाल है, 114 रुपए के दाम पे खरीदारी है, एवरेज है मतलब इनका, क्योंकि इनको बोनस भी मिले हैं और 1000 शेयर है, क्या करें? मेरे लिए सवाल है सुमित जी। जी गौरांग, वेल BHEL पर जिस तरीके से ऑर्डर बुक है बहुत ही शानदार, उस तरीके से उस ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा है और इसका साफ दृष्टि आपको दिखाई दे रही है नतीजे के आधार पर, और हमारी एज अ डिस्क्लोजर बिकवाली की राय है, अगर इसी सेक्टर में कहीं और निवेश करना है तो बिकवाली में आप L&T या फिर सीमेंस में निवेश करते हैं और नजरिया 1.5 साल या उससे अधिक का देते हैं आपको बहुत ही अच्छा। चलिए हमारे पास प्रसाद है जो हमें मुंबई से फोन कर रहे हैं। प्रसाद पूछिए क्या सवाल है आपके पास? ग्रेफाइट इंडिया है। सॉरी, ग्रेफाइट इंडिया, ग्रेफाइट इंडिया मेरे पास है। कब लिया आपने ये शेयर? ये अराउंड 7-8 साल हो गए। ठीक है, अब आपको पैसों की जरूरत है, सवाल क्या है? एक्चुअली ये अभी आगे जाएगा। चलिए अब सुमित से पूछ लेते हैं क्या करें स्टॉक में, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर ने जो इसमें इन्वेस्ट किया प्रसाद ने 7-8 साल में, तो उनका पैसा मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है, 91 से अभी नियरली 900 है, तो 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो गया इनका स्टॉक का, इनकी इन्वेस्टमेंट। सुमित क्या करें, आपको लगता है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि बने रहें, क्या टारगेट्स दिख रहे हैं नियर टर्म में? ये स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर बहुत अच्छा मूव दिखाया है, वन वे मूव दिखाया है और एक बहुत अच्छी रैली के साथ ये सस्टेन कर रहा है। आई थिंक एक बार प्रॉफिट्स को राइड करें, बहुत अच्छा प्रॉफिट इनको मिल भी रहा है और
अभी स्टॉक के अंदर कुछ खास वीकनेस देखने को भी नहीं मिल रही है। आई थिंक प्रॉफिट बुक करने से बेटर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर जब मजबूत होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वन वे रैली चलती जाती है, आने वाले जिस तरह से की रैली हमने लास्ट 3 से 6 महीनों में देखी, हो सकता है वैसी ही रैली आने वाले 3 से 6 महीनों में कंटिन्यूसली चली जाए। टेक्निकली पैटर्न खराब हुआ नहीं है, हायर लेवल्स पे चल रहा है, तो और भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 850 के आसपास यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। लॉन्गर टर्म नजरिए के हिसाब से 740 से 750 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से 815 820 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोनों में से जो भी इनको सूट करता है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले और वेट करे पोजीशंस को ऊपर में। इमीडिएटली 900 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट हुआ तो 4 डिजिट में भी ये स्टॉक जा सकता है। चलिए, तो 900 का लेवल अगर पार करके सस्टेन करता है तो 4 डिजिट में भी ये शेयर जा सकता है। आपके लिए राय है कि आप बने रह सकते हैं।